बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करती है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है और भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या फिर यूं कहें कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है, देखिए रिपोर्ट। आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सुरक्षा बल हर तरफ मुस्तैद हैं। भटके हुए युवाओं की घर वापसी हो रही है। धारा 370 हटते ही सुरक्षा बल अपने हर ऑपरेशन में आतंकियों का नामो निशान मिटाते जा रहे हैं। आतंकियों का ओडब्ल्यूजी यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क टूटता जा रहा है। आतंकी अपने हर मंसूबे में फेल हो रहे हैं और ये सब देखकर आईएसआई के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसीलिए आईएसआई ने अब एक नया प्लान बनाया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इससे पहले कि आईएसआई अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता, भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई। जम्मू में आतंकी अपनी जड़ें जमाने के लिए खौफनाक प्लान बना रहे हैं। रक्षा सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेरर कमांडरों का सिलेक्शन चल रहा है। आईएसआई आतंकियों को जम्मू संभाग में दहशत फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा रहा है। लंबे अरसे से पीओके में रह रहे 90 के दशक के आतंकी कमांडरों की इस पलटन को जम्मू संभाग में घुसपैठ करवाने में आईएसआई पूरी तरह से मदद कर रही है। आतंकी नंबर एक, आतंकी नंबर दो, आतंकी नंबर तीन। आईएसआई के पाले पोसे हुए ये वो आतंकी हैं जो भारत की सरजमीं पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं और इन सब में इनकी मदद कर रही है आईएसआई। पाकिस्तान के जम्मू संभाग में हालात खराब करने की नई साजिश के तहत अब उन आतंकियों को आईएसआई एक्टिव कर रहा है जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से सीमा पार कर आतंकी बनने गए और वहीं बस गए। अब उन्हीं आतंकियों को एक बार फिर आईएसआई जम्मू कश्मीर में वापस भेजने की कोशिश में है। इस प्लान के मुताबिक 90 के दशक से जो आतंकी कमांडर पीओके में रह रहे हैं उनको चुना गया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में आकर एक बार फिर युवाओं को बरगलाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है और अगर ये कहें कि घाटी में जो आतंकी बचे भी हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़ कर रख दी है और अब जो नई घुसपैठ कर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका संपर्क लोकल युवाओं से नहीं हो पा रहा है। आतंकियों को स्थानीय सपोर्ट न मिलने की वजह से आतंकी पकड़े जा रहे हैं या सुरक्षा बलों का निशाना बन रहे हैं। अभी हाल ही में आतंकवाद पर नकेल कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से ज्यादा युवाओं की घर वापसी कराई है जिनका शुक्रिया उन बरगलाए और आतंक की राह पर चलने का फैसला करने वाले युवाओं के माता पिता ने भी किया। जम्मू कश्मीर के वो आतंकी जिन्होंने पीओके में टेरर ट्रेनिंग ली है और अब जम्मू संभाग में एक्टिव हैं, उनमें एक नाम अमीन भट्ट का सामने आया है। अमीन भट्ट कोड नेम अबू खुबेब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमीन भट्ट ने ऐप और सोशल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से ओवरग्राउंड वर्कर का बड़ा नेटवर्क बना रखा है। पता ये भी चला है कि आईएसआई ने अमीन भट्ट को डोडा किश्तवाड़ में दहशतगर्दी का जिम्मा सौंपा है। यही वजह है कि ये पुराने आतंकी जो इस वक्त पीओके में हैं और वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनको यहाँ वापस भेजे जाने की कोशिश है और युवाओं के साथ इन आतंकियों का संपर्क बन सके ताकि युवा आतंक की राह पर फिर से चल पड़े। हालांकि अमीन भट्ट ने पहले से ही सोशल मीडिया और कई तरह के एप्स का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में रह रहे युवाओं को बरगलाने का काम किया है।
और वो वही युवा हैं जो आज OWG बनकर आतंकियों के साथ उनका गाइड बनकर काम कर रहे हैं और उनको जंगलों के जरिए लोकेशन बदलने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ISI ने पहले से ही आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट को चुना है। आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। जैश हिज्ब और लश्कर के आतंकियों ने नए नाम से टेरर ग्रुप बनाकर गुरिल्ला अटैक की रणनीति बनाई है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें जल्दी ही सफलता मिल सकती है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान की दूसरी साजिश भी सामने आई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों के नाम बदलकर FATF के लिस्ट से बाहर रहना चाहता है और घाटी में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देना चाहता है। इसके पीछे वजह है FATF, जिसने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। खास बात यह है कि जिस भी आतंकी संगठन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है, वो उस संगठन के नए नामकरण के साथ एक्टिव हो जाता है। घाटी में अभी एक नया गुट आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है, वो है कश्मीर टाइगर। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारी लेने वाला ये नया गुट है, लेकिन असल में वो जैश का ही नया चेहरा है जो कि नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और उसका शैडो संगठन TRF नॉर्थ पीर पंजाल रेंज यानी कि कश्मीर घाटी में एक्टिव है, जबकि जैश और उसका शैडो संगठन PAFF जम्मू के इलाके में सक्रिय है। जम्मू में पिछले 2 आतंकी हमले में ना तो TRF ने जिम्मेदारी ली और ना ही PAFF ने। जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है कश्मीर टाइगर। जम्मू के यात्री बस पर हमले के बाद से ये अस्तित्व में आना शुरू हुआ। वैसे तो कश्मीर में छोटे बड़े दर्जनों आतंकी संगठन एक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 3 बड़े आतंकी संगठन हैं लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिनकी मदद के लिए बाकायदा ISI की तरफ से फंड दिया जाता है, जो कि दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य जड़ बना हुआ है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों के मुखौटे बदले और आतंकी घटनाओं को जारी रखा और सामने आए नए 2 गुट TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट और PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू हमलों से ध्यान भटकाने और इन घटनाओं से पल्ला झाड़ने की पाकिस्तान की एक नई कोशिश है। भारत सरकार ने इसी तरह के 4 शैडो संगठनों को साल 2023 में UAPA के तहत आतंकी संगठन करार दिया था। ये संगठन जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF शामिल है। TRF लश्कर का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2019 में कश्मीर में एक्टिव हुआ था। ये कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले, निर्दोष नागरिकों, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने, आतंकियों की भर्ती, ड्रग और हथियारों की LOC पार से स्मगलिंग करने में लिप्त है। PAFF जैश का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2019 में अस्तित्व में आया था। ये युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती के लिए बरगलाने, हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग के अलावा सुरक्षा बलों, राजनीतिक लीडर, सरकारी कर्मचारियों को धमकी और हमले करने में शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स 2020 में एक्टिव हुआ। इस संगठन ने जैश, लश्कर, तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद इस्लामी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर से तैयार किया गया था। इसका काम भी बाकी संगठनों की तरह ही घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, सुरक्षा बलों पर हमले और धमकी देने में शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 तक कुल 54 आतंकी और 44 आतंकी संगठनों को UAPA के तहत लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने समय समय पर कई नए शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को साबित कर सके और कश्मीर टाइगर नाम का संगठन उसी कड़ी का हिस्सा है।